टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही रेती बंदर 4 नंबर पर जो भुयारी मार्ग है, यहाँ पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड का जो ये डिजिटल बोर्ड लगाया गया था, इसे किसी ने पत्थर मारकर तोड़ दिया था, जिसके बाद ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। लेकिन आज जो है उसी तरह का एक डिजिटल बोर्ड यहाँ पर दोबारा लगा दिया गया है। तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता बबलू सिमना, अप्पा राम हिलाल और अन्य तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं से हम बात करते हैं। बबलू भाई, क्या कहेंगे, ये डिजिटल बोर्ड जो है पहले लगाया गया था लेकिन किसी ने पत्थर मार के तोड़ दिया था, आज फिर आप लोगों की तरफ से ये बोर्ड लगा दिया गया है यहाँ पर? बहुत अच्छी बात है। बोर्ड लगाने का वजह यही था कि कितने सालों से ये जो टनल रेती बंदर में जाने आने के लोगों को जो प्रॉब्लम आती थी, तो हमारे नेता सन्माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, जो हमारे महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री भी है, उन्होंने लोगों को सुविधा के लिए ये टनल को चालू कराया। इनकी संकल्पना दी है कि लोगों को ये सुविधा होवे, इसलिए बोर्ड लगाया। एकदम किसी ने बहुत लोगों को नागवार गुजरा तो बोर्ड को कोई ऐसे पत्थर से मार के डैमेज करने की कोशिश की, कोई खैर कोई बात नहीं, वो उनकी हरकत थी। मगर हमने फिर से नया बोर्ड अभी लगाया है और ये बोर्ड कैमरे के अंदर सर्वेलेंस रहेगा, इस पर वॉच रहेगा। और वॉच रखने की दूसरी भी एक वजह है कि रेती बंदर में आने जाने का एक ही रास्ता है, यहाँ से रिक्शा जाती है, गाड़ी जाती है, यहाँ से स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आगे चल फ्यूचर में कोई हादसा ना हो, इसलिए ये सर डॉक्टर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने, ये यहाँ के अप्पा हिलाल राव है, ये सब साहब के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने साहब को ऐसा बोले कि तुम कैमरा लगा दो तो कभी ना कभी कोई हादसा होता है तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्डिंग हाँ रहे हुए, तो इसलिए साहब ने बोले उनकी बात को मंजूर करते हुए यहाँ कैमरा लगाने की भी एक मंजूरी दे दी है। कैमरा भी लग रहा है इधर और ये बोर्ड को भी वॉच करके आगे चल के कोई हादसा ना हो जाए। और आने वाली रिक्शा है, गाड़ी है, बच्चे हैं, तो सब ये कैमरे के देख रहा हूँ रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा इंशाल्लाह आगे चल के। अभी कैमरा लगा नहीं है, जल्द ही नहीं कैमरा लगेगा ही, आज से आज लगने वाला ही कैमरा, आज और कल में लग जाएगा। हाँ, आज कल में कैमरा लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। कितने कैमरे लगेंगे? एक कम से कम 3 कैमरे लगने की इरादा है और वो साइड से 2 रहेंगे, मतलब यहाँ 3 वहाँ 2, 5 टोटल 5 कैमरे लगेंगे। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है एक बोक्ते के ऊपर तो डिजिटल बोर्ड है लेकिन इसके दोनों साइड में भी व्हाइट कलर की पट्टी लगाई गई है, वहाँ पर क्या लगेगा? सेम ये जो डिजिटल बोर्ड जो लगाया है वैसे सेम वो बाजू में भी व्हाइट कलर में कराया जाएगा। ये हमारे एक अल्पेश सरैया बोल के उनके एक संकल्पना है कि सर को एक अच्छे से कलरिंग में, उनने अकोला से पेंटर को बुलाया है, लातूर से पेंटिंग कराया। हाँ, पेंटिंग कराया जाएगा, मगर आवाज साहब का बॉस का हमारा फोटो एक ये तरफ रहेगा और एक फोटो वो तरफ रहेगा और एकदम बहुत खूबसूरत तरीके से ऐसा रेडियम के तरफ ऐसा बनाया जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि एक डिजिटल रहेगा और दोनों साइड में पेंटिंग के जरिए। हाँ, दोनों तरफ पेंटिंग के जरिए रहेगा। माननीय जितेंद्र आवाड गृह निर्माण मंत्री यांच्यातर्फे जो हा भुयारी मार्ग चालू करण्यात आलेला आहे, बऱ्याच वर्षापासून हा रखडलेला बोगदा हा चालू करण्यात आलेला आहे, याच्यापासून आपल्या आया बहिणी आमच्या लहान मुलं शाळेत जातात आणि तो बोर्ड काही समाजकंटकांनी तोडल्यामुळं आज नवीन आमच्या बबलूबाईने परत तसाच बोर्ड तिथं नव्याने तयार करून लावलेला आहे। त्यामुळे याच्या पुढे आता कोणाला काही करायचं असेल तर तसं होणार नाही, त्याच्यामध्ये कॅमेऱ्याची फिटिंग करण्यात, त्याचे 5 कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत, 1-2 त्या साईडला आणि 3 ह्या साईडला। जो कोणी आज असे घाणेरडे कृत्य करत असेल तो तर भेटल्यानंतर त्याचं काय होईल ते माहिती नाही, पण याच्या पुढे असं होणार नाही। कॅमेऱ्याची सगळी सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे रेती बंदरमध्ये आणि भुयारी मार्गाचं सुद्धा 2 महिन्याच्या आत काम चालू करणार आहे। या सर्वे झालाय दत्त सम्राट मित्र मंडळाच्या तिथून जो भुयारी मार्ग निघणार आहे। हमारे जो नेता है जितेंद्र आवाड साहब, उन्होंने आज तक हमारे रेती बंदर में मतलब बहुत तकलीफ थी, आने जाने के रास्ते के प्रॉब्लम थे, पब्लिक यहाँ से ट्रैक क्रॉस करती थी उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट हो जाते थे, तो उन्होंने कुछ तो मतलब दिमाग में ये करके सोचा कि भाई कुछ तो पब्लिक के लिए करना चाहिए, तो उन्होंने अपने टनल का काम किया। अब यहाँ से सुविधा अच्छी कर दी, लेकिन बोलते हैं ना कि अंग्रेज गए लेकिन बच्चे छोड़ गए, तो वैसे लोग हैं जो साहब के प्रतिमा को पत्थर मार के ऐसा तोड़ा ये किया,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी है, जो अंग्रेजों के बच्चे, तुम अगर एक बोर्ड तोड़ोगे तो हम 1000 लगा देंगे। अब पूरे महाराष्ट्र में है ये, तो इसमें तुम्हारे पत्थर कम गिर जाएंगे, लेकिन हमारे साहब के, हमारे साहब के लिए प्यार और ऐसे बोर्ड हम 1000 लगा देंगे, इसके लिए प्यार कम नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि साहब ने अभी सोचा कि एक साइड में गिरता है, यहाँ से बच्चे लोग आते हैं, अपने जो लेडीज़ है सब नाइट में आते हैं, डे नाइट अभी यहाँ से बहुत रहदारी चालू है, तो इसमें किसी को कुछ नुकसान ना पहुँचे, इसलिए आवाड़ साहब ने कैमरे का भी सुविधा कर दिए, जो पहले ही करने वाले थे, लेकिन थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन आज के आज हम लोग ये कैमरे का भी पूरा इंतज़ाम कर दिया है। तो आवाड़ साहब के लिए प्यार हमारा बहुत रहेगा और इसके आगे भी रहेगा, और हमारे कार्यकर्ता जो हमारे बबलू साहब है, हमारे वार्ड अध्यक्ष है, हमारे सब कार्यकर्ता है, इनका भी बहुत सपोर्ट है। खाली जो 2-3 छूटे हैं, जो गंदे लोग, बस वही, और उनको निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर तुम्हारे में दम है तो हाथ छात में लगे लड़ो, ऐसे औरतों के जैसे या नाम औरतों के जैसे पीछे से मत लड़ो, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये डिजिटल बोर्ड यहाँ पर बोगदे के ऊपर लगा दिया गया है, और ये दोनों साइड जो है इसी तरह से पेंटिंग भी इसकी बनाई जाएगी, और ख़ास तौर पर जिस तरह से ये बोर्ड तोड़ दिया गया था, लेकिन अब जो बबलू शेमना है एनसीपी के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि यहाँ पर सीसी कैमरे लगाए जाएंगे, 2 सीसी कैमरे बोगदे के उस तरफ रहेंगे और 3 सीसी कैमरे इस तरफ लगाने की बात कही है।